ये जो मैंने फेस पैक लगाया हुआ है फेस पे, ये आपके स्किन के सारे डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंट को रिमूव करके आपके स्किन को ग्लोइंग और जवान और खूबसूरत बनाएगा। इसका फुल वीडियो डिटेल में अपलोड हो चुका है, तो जाके चेक जरूर कीजिएगा। सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से लेके आ गई हूँ बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इससे पहले मैंने बताया था पपाया फेस पैक, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करोगे तो आपके स्किन का जो भी डार्क स्पॉट्स है सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी, स्किन अच्छे से ग्लो करेगा एंड आपके स्किन पे जितने भी पिगमेंट है, रिंकल्स है, एजिंग आ रही है, सारी चीजों को रिमूव कर देगा। पहले ही उससे आपको काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा, तो वीडियो जाके जरूर चेक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं जाके चेक कर सकते तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने बालों का आधा पार्ट इस तरीके से ले लेंगे और अच्छे से कॉम कर लेंगे। काफी प्यारी प्यारी हेयर स्टाइल है और काफी अच्छे लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे, तो सभी लोग ट्राई जरूर करना। इस तरीके से मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन कर ली है बालों के। अब इसकी सिंपल चोटी बनाएंगे हम लोग। सिंपल चोटी बनाने के लिए पहले बैक के बालों को आगे की तरफ कर लेंगे ताकि चोटी बनाते टाइम ये वाले बाल भी चोटी के अंदर ना आ जाए। इस तरीके से जैसे हम लोग सिंपल चोटी गूंथते हैं वैसे ही गूंथना है। पूरा एंड तक गूंथेंगे। ओके, पूरा एंड तक ऐसे गूंथ लेंगे। सिंपल चोटी तो सबको बनाने आती होगी। अब पूरा गूंथने के बाद आपको सिर्फ एक पार्ट को, तीनों में से एक पार्ट को पकड़ना है और सारे पार्ट्स को ऐसे खींचना है। देखिए थ्री पार्ट्स थे हमारी चोटी के, तो एक पार्ट मैंने पकड़ा है और ऐसे खींचते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का लुक आपका बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसमें लगा देना है एक पतला वाला रबर बैंड। बालों से मैच होता हुआ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्टिफिशियल डमी पे तो सभी लोग बताते हैं, बट मैं अपने ओरिजिनल बालों पे आपको ये हेयर स्टाइल करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो काफी प्यारा सा लग रहा है एंड डिफरेंट सी चोटी भी लग रही है हमारी। अब इसके साथ आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और चाहो तो इसमें एक पोनीटेल बना सकते हो। पोनीटेल बनाने के लिए इस तरीके से सारे बालों को ले लेंगे और यहाँ पे एक रबड़ लगा देंगे। पतला वाला लगाओगे तो भी अच्छा रहेगा और चाहो तो इस तरीके से मोटा वाला भी लगा सकते हो। एंड थोड़े से बालों को लेंगे और ये रबड़ बैंड को हाइड कर देंगे। यू पिन या बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर देंगे। तो कैसा लग रहा है आपको ये फर्स्ट हेयर स्टाइल हमारा? मुझे तो काफी प्यारा लग रहा है। लॉन्ग बालों के लिए अच्छा रहेगा, शॉर्ट बालों में भी आप कर सकते हो। और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। ज्यादा फ्लैट लगे तो आप थोड़ा थोड़ा खींच लीजिएगा। तो चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको एक ही कलर के तीन चार रबर बैंड इस तरीके से ले लेने हैं। ओके, और सेकेंड हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको बीच की अब साइड की पार्टीशन कर लेनी है इस तरीके से। तो मैं बीच की पार्टीशन कर रही हूँ। और इस साइड से ईयर के इस पास इस साइड से हम लोग इस तरीके से बालों को उठाएंगे और फिर दूसरी साइड से भी
ऐसे ही पकड़ेंगे। अब आपको एक पतला वाला रबर बैंड यहाँ पे लगाना है। ओके, और अब इसको इस तरीके से नीचे से खींच लेना है। आप चाहो तो दो बार भी घुमा सकते हो, जिससे कि ट्विस्टिंग जो है वो अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो आपने कोनी बनाई है उसी वाली कोनी को पकड़ना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है इतना, और यहाँ पे एक रबर बैंड और लगा देना है। अगर ये वाले हेयर्स में आ रहे हैं तो आप इसको ऐसे करके आगे की तरफ कर लेना, ताकि बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये अक्सर डमी वगैरह भी लोग बना के दिखाते हैं, खुद के बालों पे बहुत कम लोग बनाते हैं। और आपको एक इजी तरीके बता रही, फिर बीच में से थोड़ा सा पतला सा लेयर पकड़ना है और ऐसे उठा देना, इससे ये बहुत ईजिली बहुत अच्छा सा बन जाएगा, जिससे कि आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। आप ये थोड़ा सा गैपिंग छोड़ेंगे और थोड़ा सा इसको टाइट कर लेंगे, फिर थोड़ा सा गैपिंग छोड़ेंगे और एक रबर बैंड और लगा लेंगे। ये हेयर स्टाइल बनाते टाइम थोड़ा सा रबर बैंड को टाइट रखना है। ओके, फिर थोड़ा सा गैपिंग छोड़ेंगे और एक रबर बैंड और लगाएंगे। रबर बैंड थोड़ा टाइट लगाइएगा और इसको खींच लीजिए। ओके, उसके बाद लास्ट में एक रबर बैंड और लगाएंगे यहाँ पे। टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है। ओके, अब इसको सारे बालों को पीछे करेंगे और ये कुछ इस तरीके का लुक आएगा। इसके साथ आप बालों को स्ट्रेट कर लीजिएगा, मतलब इसको छोड़ के बाकी बालों को स्ट्रेट कर लीजिएगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश की मैंने खुद के बालों पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मेरा कोशिश कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड फ्रंट से ही कुछ इस तरीके का लुक आएगा, चाहो तो आप लेयर्स भी निकाल सकते हो और चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो ये थे आज के दो क्यूट इजी क्विक हेयर स्टाइल, और यूनिक एंड डिफरेंट भी है सेल्फ के लिए, तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। एक दो बार ट्राई करोगे तो बन जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।